तो काफी देर से आप नोट्स की बात कर रहे थे तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। अब सीसीएन एग्जाम का सिलेबस ये है ना अमित जी, तो ये मान लो नेटवर्क फंडामेंटल्स है, नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर 20% एग्जाम आएगा ना, उसके बाद में आ जाएगा आपका आईपी कनेक्टिविटी 25%, आईपी सर्विसेज ये 10% है, सिक्योरिटी फंडामेंटल है और ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी इसमें भी 10%। तो एग्जाम में ज्यादा प्रैक्टिकल्स वाले क्वेश्चंस जो होंगे ठीक है वो वही होंगे जिसमें कन्फिगर वर्ड है। एग्जाम अगर आप सीसीएन एग्जाम क्रैक कर रहे हो उसमें कन्फिगर वर्ड है, अगर आप जैसे ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी है तो इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे वो, ठीक है, मतलब उसमें चार ऑप्शन होंगे आपको एक सही आंसर लगाना है। अब आपने कहा है कि जो मतलब वीडियोस हैं, जो मतलब चैनल के ऊपर वीडियोस हैं, उसको सिलेबस के तरीके से चाहिए आपको, ऐसे चाहिए कि जिसमें सिलेबस पूरा हो, है ना, नोट्स राइट बनाने सर, के हाँ लिए। तो मैंने क्या बिल्कुल किया, एक तो जो क्लास वाली वीडियोस आपकी रिकॉर्डेड है वो यूट्यूब चैनल पे डाल दिए, ठीक है। अब मैंने एक एक मतलब प्लेलिस्ट ऐसी बनाई हुई है, ठीक है, सिलेबस वाइज उसमें वीडियोस कुछ ऐसे हैं, व्हाट आर राउटर्स, लेयर टू और लेयर थ्री स्विच क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे एक्सेस पॉइंट और कंट्रोलर्स की, दोनों की वीडियोस इकट्ठी बनाई है। अब मैंने वैसे नहीं बनाया कि पहले बेसिक स्टार्ट किया है उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं। जो इसमें लिखा है मैंने एज इट इज वीडियो सेशन रिकॉर्डेड की हो, उसके बाद में जैसे ये तो आर्किटेक्चर है, अब टू टायर और थ्री टायर है ये मैंने एक वीडियो में डाला हुआ है, स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर है, वैन क्या होता है, सोहो किसको बोलते हैं, स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस डिजाइन। अब कंपनी आपसे ये भी पूछ सकती है सोहो डिजाइन कैसे बनते हैं, सिर्फ ये बता दो इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लेंगे आप। अच्छा अभी तक आप बताओ आपके हिसाब से सोहो डिजाइन क्या है, मैं वैसे ही रेंडमली पूछ रहा हूँ, रेंडमली आपने पढ़ा है ये या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, ठीक है, व्हाट आर SOHO। अब कंपनी में ये पूछ लिया, आपने पूरी सीसीएनए की क्लासेस लगाई हुई हैं, आपने लगाया हुआ है कि हाँ जी राउटर्स क्या है, स्विच क्या है, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे कोडिंग आपने पूरी की हुई है सभी ने, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया उन्होंने सोहो डिजाइन बताएं, क्या बताओगे, किसी किसी ने भी बताना है क्लास में से बता सकता है, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा अगर आपने थोड़ा टाइम लेना है। तो सर विद इन ऑफिस में यूज करते हैं हम लैन के लैन नेटवर्क सर, वही ओके और सर जैसे हम ऑफिस सर जैसे हम ऑफिस में अपना वो छोटा सा नेटवर्क आता है, एक राउटर, एक सॉरी एक स्विच लेते हैं, एक लैन लेते हैं, बैल लेते हैं, कंप्यूटर हो गए, प्रिंटर हो गए, उसको एक लैन से जोड़ दिया, एक छोटा सा नेटवर्क, मिनी पूरा नेटवर्क, सेटअप हो गया मतलब सर विद दैट्स इन इट, इतना ही आंसर चाहिए ऑफिस। उसे, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस डिजाइन, देखने में क्या है कुछ नहीं है, सोहो लिखा था ना वहां पे, अब उसने पूछ लिया सो व्हाट इज सोहो, हमें क्या लगता है सोहो पता नहीं क्या चीज पूछ ली। अगर एक राउटर को, जो गुरप्रीत ने बताया और अमित ने बताया बिल्कुल सही है, राउटर को स्विच से जोड़ दिया, स्विच को पीसी से जोड़ दिया, उसके अंदर आईपी एड्रेसिंग करके उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दी, दैट इज स्मॉल मतलब सर ऑफिस, स्मॉल डिजाइन बना दिया एक सेटअप। दैट्स इट, तो ज्यादा टफ नहीं है ये। उसके बाद ऑन प्रमिसेस एंड क्लाउड क्या है इसकी भी, अब मैंने जो वीडियोस डाली है ना, अब जो मैं आप अमित सर ने कहा था कि ऐसे वीडियोस करना, वो प्लेलिस्ट में अलग से डाल रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं या तो सिलेबस इस तरीके से बना दूं कि आप क्लिक करो राउटर पे वो उसी वीडियो की तरफ चला जाए, तो जितने नोट्स आपने बनाने हैं आप उसके हिसाब से बना सकते हो, बट अगर आपके पास सारा वीडियोस डेटाबेस है तो लिखना, अगर आप लिख के नोट्स बनाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप लैपटॉप के ऊपर नोट्स बनाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट वो तो सर आपको जो कॉपी पे वीडियोज हैं, शॉप में हाँ आपको जो वीडियोज हैं वो इसके हिसाब से मैं प्रोवाइड कर दूंगा एक एक चीज। हाँ बट ये चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जैसे मान लो वायरलेस प्रिंसिपल है, ठीक है, तो वायरलेस प्रिंसिपल क्या होते हैं, SSID क्या है, ये एक ही वीडियो का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी भी एक ही वीडियो के अंदर आ जाएगी, सोशल सेट आइडेंटिफायर भी एक ही वीडियो के अंदर आ जाएगा, ठीक है, बाकी इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती क्या है वो भी इसी के अंदर आ जाएगी, या IPv6 एड्रेस टाइप क्या है, अब हर एक के लिए अलग वीडियो नहीं बनेगी, जैसे यूनिकास्ट है, एनीकास्ट है, हमें भी पता है यूनिकास्ट में 1-to-1 है, लेकिन ग्लोबल यूनिक और यूनिक लोकल क्या होगा, या फिर ये STP नाम की वीडियो है, ये आधे घंटे की पूरी वीडियो ही बन जाएगी, रूट पोर्ट क्या होते हैं, रूट ब्रिज क्या होते हैं, कौन सा स्विच एज ए रूट ब्रिज काम करेगा,
आप कौन सा स्विच एज ए रूट सेकेंडरी काम करेगा, ठीक है, पोर्ट फास्ट क्या होता है, तो ये सारे एक एक वीडियो में। तो इस तरीके से कम क्लास की तो हमारी 20-30 वीडियोस बनती है ना, 40 वीडियोस बनती हैं। अगर मैं सिलेबस के हिसाब से आपको कनेक्शन वगैरह देना शुरू करूं, तो सिलेबस के हिसाब से भी मेरे हिसाब से ये 100 से नीचे या नियर अबाउट 100 वीडियोस बन जाएंगी। तो काफी सारी वीडियोस बन चुकी हैं, ठीक है, और काफी सारी वीडियोस में मतलब पब्लिकली डाल दूंगा उसके ऊपर। तो सिलेबस वाली टेंशन आपकी खत्म हो गई है, अब नोट्स आपने कैसे बनाने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड, ठीक है। बाकी आपको जो भी और डाउट है वो आप बता सकते हैं कि नोट्स के अलावा कोई और चीज आपने करनी है। आप किस तरीके से एग्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हो मुझे बता दो, मैं उस तरीके से आपको बता दूंगा। ये सर बाकी आप सिलेबस मुझे सिलेबस ही दे दो बस। मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है ग्रुप में। सर मैंने मोबाइल चेंज किया, पुराना वाला से बैकअप लेना ही भूल ओके गया था। कोई बात नहीं, गूगल पे वैसे अवेलेबल है, बट मैं फिर भी ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। और ये सारा जो सिलेबस वाइज वीडियोस है, ठीक है, सो मैं ट्राई कर, ये सारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मैं आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। और बाद में मुझे क्यूए जो क्वेश्चन आंसर राउंड है वो दोबारा रखने, ठीक है। तो आपने दोबारा कहा है कि आप करोगे पार्टिसिपेट, तो ठीक है, तो यही था सिलेबस हमारा।